इंदौर शहर में कोरोना मरीजों के बढ़ते घटते क्रम की सूचियों को लेकर 24 मार्च से 6 जून तक एकत्रित रिकॉर्ड मिलान पर आधारित विकास मित्र दृष्टि 2050 के किशोर कोटवानी ने प्रशासन पर कई तरह के आरोप लगाते हुए इसमें धांधली होने की बात कही है। समाज सेवी किशोर कोटवानी ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना महामारी को लेकर प्रदर्शित की जा रही सूची में हेराफेरी हुई है। इंदौर के राजवाड़ा पर मीडिया से बात करते हुए कोटवानी ने कहा कि इंदौर स्वास्थ्य विभाग ने 9 अप्रैल को मृतक संख्या 23 तो वहीं दूसरे दिन राज्य सरकार ने 26 का प्रेस बुलेटिन जारी किया। उनके मुताबिक 9 अप्रैल की प्रथम सूची में 24 नाम प्रकाशित किए हैं। 6 जून की अंतिम सूची में यह संख्या बढ़कर 41 नाम पर हो गई और मोबाइल नंबर सहित बुलेटिन सूची जारी की गई। तो अलग अलग चीजों के लिए आपसे बात करना चाह रहे थे। पहला तो ये कि जो 9 अप्रैल की पहली सूची जारी हुई थी कोरोना मरीजों की, और जो प्रेस रिलीज जारी हुआ, प्रेस रिलीज में उनने बताया 235, इंदौर सीएमओ ने, राज्य सरकार ने बताया 235, लिस्ट हो गई 241 की। और जो 7 जून तक जो रिकॉर्ड अपडेट हुआ उसमें मरीज मरने वाले 41 हो गए, जबकि पहले 23 और 26 बताए। ये जो घावलिया, और उसको जब सारी लिस्टों को कंपाइल किया तो पता लगा कि 241 जो लिस्ट थी, 235 डिक्लेयर की, निकले जाके 249, और उस लिस्ट में 2 नाम उड़ा दिए, 5 नाम, 4 नाम जोड़ दिए। ये इस तरह की पूरी जो लिस्ट है, इस तरह का जो पूरा फिगर मीडिया को दिया जा रहा है या प्रकाशित किया जा रहा है, वो केवल अपने रिकॉर्ड को अपने तरीके से बताने के लिए किया जा रहा है, वास्तविकता से जो बहुत ही दूर है। उस सारे में अध्ययन करने पर पता लगा कि इंदौर में 200 से अधिक शासकीय चिकित्सक कोरोना प्रभावितों का इलाज नहीं कर रहे थे, 2000 पुलिस कर्मी लगे हुए हैं, 10,000 से अधिक सफाई कर्मी लगे हुए हैं। इन 3 योद्धाओं में 2 पुलिस कर्मी और डॉक्टर 5% 3755 मरीजों में कोरोना प्रभावित पाए गए हैं। तो 10,000 से अधिक नगर निगम के कर्मचारी जो इनसे ज़्यादा गंदगी और कोरोना के कीड़ों के आसपास घूमे, उनने क्या हश्र हुआ होगा। और इंदौर में जो दुनिया में सबसे ऊपर निकल गया कोरोना प्रभावितों में, उसका सबसे बड़ा कारण सुरक्षा, जो सफाई कर्मचारी हैं निगम के, उनको केयरलेस रखा गया। उनमें से कितने मरे ये रिकॉर्ड नहीं बताया जा रहा, उनमें से कितने प्रभावित हुए ये नहीं बताया जा रहा, जबकि ये 5% 2,500 लोगों में हो सकते हैं, तो 12,000 में कितने होंगे। ये है सबसे बड़ा इंदौर के कोरोना के फैलने का कारण, और अभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, न कोई चौकसी रखी जा रही है। जो रिकॉर्ड बनाया इंदौर का, उसमें जिस दिन कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई उस दिन उसको मरीज माना, जिसके कारण एक दिन में 250 लोग बाकी दिन गायब। और ये गलत ट्रेसिंग के कारण हम पूरी कोरोना को बराबर देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, और गलत परिणामों की तरफ हम आगे बढ़ते गए और अभी भी बढ़ रहे। क्या मान लें कि नगर निगम के कर्मचारी और नगर निगम की लापरवाही के कारण शहर में कोरोना फैला? बिल्कुल, अब तो यही दिख रहा है। उससे बड़ा प्रशासन, जिसकी गाइडलाइन पे वो काम कर रहा है। नगर निगम को अपनी मर्जी से कोई भी काम करने का आदेश नहीं है। जो कलेक्टर गाइडलाइन दे रहा था, जो कलेक्टर व्यवस्थाएं जमा रहा था, उसके आधार पे हुआ। जेल के अंदर 43 मरीज हो जाना, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन, उससे बड़ी कहीं नहीं हो सकती। जब वहाँ 43 हो सकते हैं, तो शहर की दुर्गति के लिए प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार है। और ये माना जा रहा है विश्व स्तर पर, WHO हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय मध्य प्रदेश हो, कि कोरोना का एक दौर और आएगा। मेरा अनुमान है कि करीबन 2,000 मौत और 15,000 प्रभावित इंदौर में हो जाएंगे।